ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, जैसे कि पिछले कुछ एपिसोड से हम चक्राओं के बारे में जान रहे हैं, एक एक चक्राओं के बारे में, तो आज हम बात करेंगे हमारे शरीर का छठा चक्र, द सिक्स्थ चक्र ऑफ आवर बॉडी, और वो है आज्ञा चक्र, जिसे अंजना चक्र भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र, आज्ञा यानी क्या है? आज्ञा जिस बोलते हैं शरीर के अंदर, ये एक ऐसी चक्र है जिसको दोनों भौहों के बीच में, बिटवीन योर आईब्रोज, जहां हम तिलक लगाते हैं, लेडीज, महिलाएं, माता बहनें बिंदी लगाती हैं, इन दोनों भौहों के बीच में इसकी एनर्जी है, जिसको हम थर्ड आय, तीसरी आंख भी कहते हैं। यूनिवर्स की पावर यहाँ पे हमारे पूरा स्टोर है इस आज्ञा चक्र पे, अंजना चक्र पे। शिव की शक्ति, माता पार्वती, आदि शक्ति और शिव दोनों की ऊर्जा यहाँ पे इस चक्र पे विराजमान। आप सोच सकते हो कि क्या पावर है हमारे पास इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड, आदि शक्ति माँ और शिव दोनों का, इस जो एनर्जी है पूरा अडेप्ट आप यहाँ पे आपके दोनों भावों के बीच में है, बस उसे ओपन होने की जरूरत है। अगर ये चक्र आपका पूरी तरह से हील हो जाता है तो क्या होता है? ये चक्र अगर आप हील करते हो, बैलेंस करते हो, मेडिटेट करते हो या ऐसे जागृत करते हो जैसा कि कहते हैं, तो यहाँ पे आपका इंट्यूशन पावर एकदम स्ट्रांग हो जाता है। इंट्यूशन पावर मतलब क्या? कि भविष्य में, फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है उसका आपको पहले से ही पता चल जाता है, अच्छा या बुरा दोनों, और आप अपने लाइफ को, अपने जीवन को उसके हिसाब मेंटेन कर सकते हो। इंट्यूशन पावर मतलब क्या? इंट्यूशन पावर मतलब ये है, जैसे कि कल मुझे कहीं पे जाना है, अब मैं आंखें बंद करता हूँ और सोचता हूँ कि कल मैं वहां जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये होगा, वो होगा, और सडनली मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार कल मत जाओ, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। यू विल गेट दैट इंट्यूशन, आपको वो सब सारी बातों का ज्ञान होने लगेगा कि वहां पे आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कि उदाहरण दे रहा हूं कि सपोज कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा कई बार हो चुका है जिनका थर्ड आय आज्ञा चक्र अगर जागृत है, उन्होंने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स को भी होते बचाए हैं, यानी कि कुछ प्रॉब्लम होने जा रहा था, उनके कहने के अनुसार कोई यात्रा नहीं करता, ट्रैवल नहीं करता, और बाद में पता चला कि फलाने जगह एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। तो आपकी इंट्यूटिव माइंड, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि सांसारिक जीवन में आपको एक, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होगी कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। यू गेट दैट इंटेटिव आंसर, इंटेटिव माइंड, इंटेटिव हर एक प्रश्नों का जवाब आपके पास यहाँ पे होगा। कोई भी एंजाइटी आ रही, कोई भी सवाल आ रहा है, आपको लग रहा है यार ये काम करूं नहीं करूं क्या होगा, ऐसा बस सिर्फ आपको आंखें बंद करना है। यू हैव टू टेक द ब्रेथ एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन हियर, इफ योर आज्ञा चक्र इज बैलेंस, आई एम टॉकिंग दैट, अगर आपका आज्ञा चक्र हील है, बैलेंस है, तो सीधे आप यहाँ आते हो और उस ऊर्जा को महसूस करते हो, उस प्रश्न का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। इस जगह पे हमारी जो इंट्यूशन पावर के साथ हमारी कॉस्मिक एनर्जी भी अडैप्ट करती है। अडैप्ट यानी कि कॉस्मिक एनर्जी पूरी यहीं से सारे बॉडी के अंदर हमारे फ्लो होती है। आज्ञा चक्र इतना पावरफुल है कि आपकी लाइफस्टाइल को भी ये पूरी तरह से बैलेंस करती है, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हो या पॉजिटिव इमोशंस हो। फिजिकली अगर मैं बात करूं तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है, नींद की बहुत बीमारी है, एंजाइटी, हमेशा घबराहट हो रहा है, बहुत सारा तनाव हो रहा है, मन थोड़े समय में व्याकुल रहता है, व्याकुल यानी कि विदाउट एनी रीजन यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस, टेंस, पैनिक, कुछ काम होता है आप एकदम हड़बड़ से जाते हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा पीस होना जरूरी है। आज्ञा चक्र पे स्टेबल होना बहुत जरूरी है। हमारी आत्मरूपी ऊर्जा जो हमारी सोल है वो भी यहाँ पे ही रेस्ट करती, यहीं पे पीस करती है। दैट्स द रीजन व्हेन यू डू मेडिटेट, ऑल लाइक आचार्य गुरुजी सेज, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो, और अपना पूरा ध्यान दोनों भावों के बीच में रखें। क्यों कहा जाता है पूरा ध्यान? यानी कि हमारी जो आत्मरूपी ऊर्जा है, हमारी सोल है, हमारी डिवाइन एनर्जी है, वो पूरा यहाँ पे इसी दोनों भावों के बीच में
विश्राम करती है, एंड दैट्स द रीजन, वही कारण है कि हम यहाँ पे टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, ताकि इस पवित्र ऊर्जा को हमेशा यहाँ पे उसको ऊर्जावान बनाए रखें। इतनी बड़ी ऊर्जा को हम डिवाइनली उसको पवित्रता के साथ उसको मेंटेन रखें। आत्मा बोलते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर ही है, आओ चलते हैं अंदर की ओर, तो भगवान है कहाँ पे? उस ऊर्जा को आप यहाँ महसूस कर सकते हो। इसीलिए मंदिर में आप जाके भगवान को जो टीका लगाते हैं, हम उसी तरह से अपनी इस आत्मरूपी ऊर्जा को, अपनी इस एनर्जी को भी हम यहीं पे टीका लगाते हैं, उसे टीकते हैं, उस ऊर्जा को संचार करते हैं ऐसे टीका लगा के। माताएं बहनें बिंदी लगाती, क्यों? क्योंकि वो हमेशा एनर्जाइज रहे, उस पवित्रता को हम बनाए रखें। फिजिकली अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है हमारी 3 मेजर नाड़ियां हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, यानी कि चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और मध्य नाड़ी जो है, जो कि हड्डियों के, रीढ़ की हड्डी के बीचों में, वो सभी नाड़ियां आके यहीं पे मिलती हैं, इसी जगह पे, यहाँ पे, और वो हमारे बॉडी के, हमारे इमोशंस को, हमारे भावनाओं को कंट्रोल करती है। 72,000 नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ीज विच इज ट्रेवलिंग फ्रॉम योर ओवरऑल बॉडी, फ्रॉम योर बेली बटन, फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड, एवरी कम्स एंड दिस इज द पॉइंट वेर इट गेट्स कनेक्टेड टू योर स्पिरिचुअल, कॉस्मिक एंड फिजिकल एनर्जी। आज्ञा चक्र के बहुत अद्भुत फायदे हैं, मैं जितना कहूँ उतना कम होगा, इसलिए मैं बहुत थोड़े से आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि कॉस्मिक, फिजिकल सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा यहाँ पे है। आपको जो चाहिए वो सारी एनर्जी आप यहाँ स्टोर करके प्राप्त कर सकते हो। यू कैन फील दैट कॉस्मिक ब्यूटीफुल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी इन योर बॉडी, माइंड एंड सोल यहाँ पे। और मेडिटेशन करने के लिए तो ये एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी अवस्था है कि आप जब उस अवस्था में चले जाते हो तो अपने आप को समाधि में पाते हो, तृप्ता में पाते हो, यू ऑब्जर्व योरसेल्फ इन पीस, और क्या चाहिए फिर। तो दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले आप अपने चक्रों को जरूर जरूर बैलेंस करें, हील करें। आपके शरीर से बाकी सारी जो भी बीमारियां हैं, नहीं है, कभी नहीं होंगी, ना कभी आएंगी ना कभी होंगी। आपकी लाइफस्टाइल एकदम परफेक्ट होगी, ऊर्जा से भरपूर रहोगे। हर एक चक्राओं को हील होना बहुत जरूरी है, बट आज्ञा चक्र अगर जिसका हील है तो दुनिया में उसे और कुछ ही चीज की जरूरत ही नहीं है। तो फिलहाल मैं आपके साथ आ रहा हूँ इसी चक्राओं को हील कराने के लिए, एक ऑनलाइन कोर्स ले रहा हूँ जिसका नाम है सप्त ध्यान मेडिटेशन, द 7 चक्रा मेडिटेशन, एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th of August। ऑगस्ट 5 तारीख से शुरुआत हो रहा है, शाम को 6:30 to 7:30। डू ज्वाइन दिस कोर्स, इट्स ए वेरी ब्यूटिफुल डिजाइन कोर्स। आपको सारे चक्राओं को हील करके अपनी अद्भुत ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ये 7 डेज का कोर्स है, 5th August to 11th August। जरूर इसे ज्वाइन कीजिए, अगर मौका मिल रहा है आपको तो इसका भरपूर लाभ उठाइए। अगला चक्र के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर का 7वां है, सहस्रारा चक्र। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सारा डिटेल्स कोर्स का कैसे ज्वाइन करना है उसका डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद, सी यू सून। बहुत जरूरी है आपका खुश रहना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।